नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिग्गजों के दौरे पर दौरे हो रहे हैं, जनता से वादे हो रहे हैं, वार पलटवार चल रहे हैं, लेकिन 7 मई को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता कर देगी। छत्तीसगढ़ में कुल 7 सीटों पर मतदान होना है। तो नेताओं की जबानी जंग यूं ही चलते रहती है, लेकिन बतौर जिम्मेदार पत्रकार हमारी यह जिम्मेदारी है कि आप सारे समीकरणों को समझें, आप इतिहास को देखें, वर्तमान पर एक्ट करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए यह जरूरी है कि हर सीट के बारे में, अपनी लोकसभा के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो देगा कौन? वो हम देंगे। आज हम छत्तीसगढ़ की 2 सीटों का विश्लेषण करेंगे। 7 मई को वोट डाले जाने हैं। जांजगीर चांपा और बिलासपुर, इनका वोटिंग पैटर्न आपको दिखाएंगे, इतिहास दिखाएंगे। हमारे साथ जानकार भी जुड़ेंगे, उनसे हम इसे समझेंगे भी। लेकिन अब बात इतिहास की कर ली जाए। सबसे पहले हम जांजगीर चांपा की बात करने जा रहे हैं। वैसे लोकसभा चुनाव के नजरिए से जांजगीर चांपा की जनता का मिजाज अलग है। 1977 के बाद से चुनाव में यहां से कांग्रेस भी जीती है, बीजेपी भी जीती है। 2004 के बाद से लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव की दिलचस्पी बढ़ाते हैं। 8 विधानसभा हैं और इन सभी पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। किस तरीके से मुकाबला है और किस तरीके से स्थितियां हैं, अब वो फटाफट समझ लीजिए। कमलेश जांगड़े पहली बार लोकसभा के मैदान में होंगी। ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़। शिव डहरिया मंत्री रहे हैं, आरंग से आते हैं और इन्हें यहां लाया गया है। पोस्टर इनके निकल गए। आखिरी बार जब ये चर्चा में रहे हैं, इनकी पत्नी ने एक सामुदायिक भवन पर कब्जा किया था। इस तरीके के आरोप लगे हैं। इतिहास जान लीजिए। 2009 48% से ज्यादा वोटिंग, 2014 61% से ज्यादा वोटिंग, 2019 65% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो चुकी है। जांजगीर चांपा लोकसभा के हमने तीनों आपको बता दिए, जो इसका इतिहास है, पिछली बार का जो इतिहास है वो हमने आपको बता दिया। 2009 2014 2019 48% से ज्यादा, 61% से ज्यादा और 65% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। अब जीत का मार्जिन समझते हैं वोटिंग के हिसाब से। 2009 में 87,211, 2014 में ये एकदम से बढ़ जाता है, ये 1,00,000 को पार कर जाता है, 1,74,000 से ज्यादा। और 2019 में 83,255, लोकसभा के लिहाज से 83,000 ऐसी संख्या नहीं है जिसके बारे में आप सोचे ना, ये ऐसी संख्या है जिसके बारे में आप एक टफ फाइट दे सकते हैं। ये आपने जीत का मार्जिन देख लिया। अब जान लीजिए वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर, ये आपको समझने में आसानी देगा। 2009 में 48% से ज्यादा वोटिंग, 87,000 का मार्जिन। 2014 में 61% से ज्यादा वोटिंग, 1,74,000 का मार्जिन रहा, लेकिन 2014 में एक लहर भी थी। 2019 65% से ज्यादा वोटिंग और जीत का मार्जिन 83,000 से ज्यादा। हालांकि प्रत्याशी जो है वो दोनों नए हैं इस बार के लिहाज से। अब जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र का ये वोट परसेंटेज आपने देखा, जीत का मार्जिन आपने देखा, किस पार्टी को कितने वोट मिले वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो आपकी स्क्रीन पर। 2014 में 48% से ज्यादा वोट बीजेपी के पास, 32% से ज्यादा वोट कांग्रेस के पास, अंतर 16%। 2019 में 45% शेयर, वोट शेयर बीजेपी के पास था, 39% कांग्रेस के पास आया, अंतर 6% का। एक बात और देख लीजिए, 2018 में बंपर जीत, 2018 में बंपर जीत मिली थी कांग्रेस को, वो आपको इनमें रिफ्लेक्ट होती नजर आएगी। 6% का अंतर रह गया 2019 में। ये स्थितियां हैं जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की। अब बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, डिकोड करेंगे जांजगीर चांपा को, और उसके बाद आगे चर्चा जो सिलसिला है, एक और सीट के बारे में बात करेंगे, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। मनीष बोरा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोशिश होगी कि और भी हमारे साथ जो राजनीति के बारीक राजनीति के जानकार हैं वो जुड़े, लेकिन तब तक मनीष सर के पास ही सवाल के साथ चलते हैं। मनीष बोरा सर, अभी हमने जांजगीर की पूरी हिस्ट्री बताई है, अब आपका प्रेडिक्शन जांजगीर को लेकर, और वो भी तब जबकि मेरा ख्याल है 8 के 8 विधानसभा कांग्रेस के पास है। जो आपने आंकड़े अभी बताए हैं,
उन आंकड़ों को लेकर के यदि हम बात करें तो उसमें 2009, 2014 और 2019 थे। तो इसमें देखिए पहले वोटिंग परसेंट जो है वो कम था, उसके बाद में जो जीत का मार्जिन था वो था, उसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में वोटिंग परसेंट भी बढ़ा, जीत का मार्जिन कम हुआ। इन चीजों को समझिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी सीट है जो रिजर्व सीट है, जो एससी के लिए रिजर्व है। हाँ। तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? आप, आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए आप, कंटिन्यू। तो ये एकमात्र ऐसी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है, और यहाँ पर देखें तो हम लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा यहाँ पर रहा है, और उसके पहले कांग्रेस के पास ये सीट रही है। लेकिन इस सीट में एक चीज देखिए, तो यहाँ सर करुणा शुक्ला जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करी थी, और उसके बाद में यहाँ पर पुन्नलाल मोहले और बाकी प्रत्याशी भी भाजपा के लगातार यहाँ से जीतते रहे। वर्तमान में वहां से गुहाराम अजगले जो है वो सांसद रहे हैं, उनका भी मार्जिन लगभग 83,000 के आसपास रहा है। तो वर्तमान परिस्थितियों की यदि अभी वर्तमान में हम बात करें तो प्रदेश में और देश के हिसाब से यदि हम बात करें तो पिछला जो विधानसभा चुनाव को भी रेफर करते हैं, यहाँ पर 8 की 8 सीटें जैसा कि आपने बताया वो कांग्रेस की झोंकी में, लेकिन उसके बाद अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस जो है यहाँ सीट को लेकर के बहुत आसान्वित है। मुझे लग रहा है कि एक ये सीट है जिसको हम जीत सकते हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन यदि बात करें राष्ट्रीय परिदृश्य की और वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें, तो कांग्रेस के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कमलेश चांगड़े को मैदान में उतारा है। लेकिन यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो बहुत परसेंटेज निकल कर आता है और हरिजन बहुल ये सीट है, तो यहाँ पर कांग्रेस को निश्चित रूप से आशा दिख रही है। मगर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य और देश में यदि मोदी के ब्रांड के लेकर के बात करें, मोदी लहर की यदि हम बात करेंगे, तो उस परिस्थिति में भाजपा को फायदा यहाँ पर हो सकता है। जी जी, एक बात और भी है कि जो कमलेश जांगड़े हैं उनके लिए तगड़ी कैंपेनिंग की गई, मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री भी आकर सभा कर चुके हैं वहां पर, एक बात। दूसरी बात कि चूंकि ये चुनाव ज्यादातर शिफ्ट है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, ये एक बड़ी अड़चन कांग्रेस के सामने है। सर निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि एक बड़ी अड़चन कांग्रेस के सामने निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। पिछले चुनाव में हम देखें तो यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक वोट जो जीत का मार्जिन है उससे ज्यादा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर लेकर के गई है, 1,31,000। उसके पहले पिछले चुनाव में भी लगभग 1 लाख से ऊपर वोट लेके गए, उसके पहले भी लेके गए। तो तीसरे दल के रूप में यहाँ पर जो कुछ विधानसभा क्षेत्र जैसे जयपुर और अन्य विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा वर्चस्व है और वहां से बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करते आई है। पिछले चुनाव के लिए बात करें दाऊराम रत्नाकर को यहाँ से लगभग 1,33,000 वोट मिले थे। तो तीसरी स्थिति उनकी है, यदि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कितनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ती है उसका फायदा जो है निश्चित रूप से कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो यहाँ पर वो है प्रभाव, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ एकमात्र ऐसी सीट है पूरे 11 लोकसभा सीटों में जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी या किसी तीसरी पार्टी को 1 लाख से अधिक वोट यहाँ पर मिलते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, और बहन जी का हाथी वो भले ही तेज रफ्तार से चल पाए ना चल पाए, वो रायपुर पहुंच पाए ना पहुंच पाए, पर जो दरअसल जा रहे हैं ना उनके रास्ते में बड़े रोड़े अटकाता है और ज़्यादातर नुकसान कांग्रेस के खेमे में उसका जाता है। एक और बड़ी बात है, पिछली बार की जीत का मार्जिन घटकर एकदम से 87,000, लोकसभा के लिहाज से ये ठीक है कि 87,000 बड़ा एक संख्या बल है, वो भी तब जबकि यहाँ तो 16-16 वोट से विधायक बने हैं, कांकेर के जो विधायक बने 16 वोट से वो विधायक बने हैं, सिर्फ 16 का मार्जिन रहा। मनीष सर, सवाल मेरा ये, 87,000 का मार्जिन भी कांग्रेस की उम्मीद को बढ़ाता है कि अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लें तो शायद ये सीट हमारे पाले में आ जाए, नहीं कुछ तो वोटिंग परसेंटेज को थोड़ा मजबूत कर लिया जाए। जी प्लीज। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ाती है तो उसका फायदा उसको यहाँ पर मिल सकता है। और जो बात आप कह रहे थे 87,000 का जो मार्जिन है, कि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में 87,000 का मार्जिन, यानी कि ठीक है जीत बड़ी होगी 87,000 का मार्जिन बहुत बड़ा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर के जाती है। यदि उन वोटों में चेन लगाने में कांग्रेस यदि कामयाब होती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा उसको यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन उन वोटों पर चेन नहीं लगाती है और बहुजन समाज पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराते हुए 1 लाख से अधिक वोट यहाँ पर लेकर के फिर जाती है, तो उसका नुकसान जो है निश्चित रूप से कांग्रेस को हो सकता है। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर
ओवरऑल जो विधानसभा लगभग 8 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं उसमें सब में कांग्रेस कमी है, तो उसका भी फायदा यहाँ पर दिख रहा है। तो कांग्रेस यदि किसी सीट को लेकर के या एक या दो सीट पर लेकर के वो फोकस करें, उसमें एक सीट जो है वो ये भी है जिस पर कांग्रेस को आशा बनी हुई। जी जी। और चलिए, अनिल मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें चल रही थी लेकिन वो आखिरकार जुड़ गए हमारे साथ। अनिल मिश्रा जी, हम लगातार जांजगीर चांपा को लेकर बात कर रहे हैं, मैंने सवाल जवाब भी किए, पर आप लोग चूंकि राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं और जमीन वाली राजनीति को करीब से देखते हैं, जांजगीर चांपा 2024 आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? जी जी नमस्कार। मेरे हिसाब से देखिए, चुनाव का माहौल तो बड़ा सरगर्मी है चुनाव में, लेकिन मोदी जी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल दिमाग तक छाई हुई है और इसका प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक नई उम्मीदवार बीजेपी ने एक महिला प्रत्याशी खड़े किया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को शायद अपना प्रत्याशी मिला नहीं। ये वो व्यक्ति हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं शिव डहरिया, और इनकी करारी हार भी हो चुकी है एक लोकसभा चुनाव में, और वर्तमान में अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उस चुनाव में भी उनकी हार हुई थी आरंग विधानसभा से, उसके बाद कांग्रेस को इनको लड़ाना पड़ा लोकसभा। तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों में ये लग रहा है जो जांजगीर क्षेत्र के रहवासी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं मायूसी लग रहा है, वो छले हुए अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में लोकल स्तर पर जिनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है उस महिला प्रत्याशी जीत होगी ऐसा लगता है। ठीक ठीक ठीक। चलिए, आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और चर्चा को अब हम अगले स्टेप पर लेकर चलते हैं। एक और हाई प्रोफाइल सीट है, उसकी चर्चा करेंगे और फिर हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनसे इनके बारे में समझेंगे। हाई प्रोफाइल सीट है बिलासपुर, लॉ कैपिटल, न्यायधानी के नाम से आप जानते हैं, और 1996 से कांग्रेस यहाँ जीत का रास्ता तलाश रही है। 1996 से 99 तक यहाँ पर पुन्नूलाल मोहिले सांसद रहे, फिर ये सीट बीजेपी की बनकर रह गई। 2009, 2014, 2019 बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशी मैदान में उतरे और सभी ने जीत दर्ज की। सवाल ये कि क्या बीजेपी के गढ़ में इस बार कांग्रेस सेंध लगा पाएगी, और वो भी तब जबकि मैंने कल जब हम चर्चा कर रहे थे मैंने दुर्ग के बारे में एक बात आपको बताई थी कि तीन तीन प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में दुर्ग इलाके से भेजे गए, अलग अलग जगहों पर भेजे गए। तोखन साहू बनाम देवेंद्र यादव की ये जंग है, और कोई वक्त होता, फरवरी का जिक्र होता, वैलेंटाइन डे होता, तो देवेंद्र यादव की लव स्टोरी पर भी चर्चा होती। खैर, मुकाबला इस तरह का, बिलासपुर लोकसभा तोखन साहू पहली बार, देवेंद्र यादव, हालांकि एक बार वो विधानसभा में आ चुके हैं, देवेंद्र यादव कांग्रेस के हैं, विधायक हैं, और अब जांच एजेंसियों के बहुत फेवरेट हैं देवेंद्र यादव। अलग अलग जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में मोहमाया के चलते वो आ जाती हैं। खैर, और इतिहास पे जाएंगे, वोट परसेंटेज क्या कहता है? 2009 का वोट परसेंट 52% से ज्यादा, 2014 63% से ज्यादा, 2019 में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके बाद वोट परसेंटेज के साथ साथ जीत की भी बात कर ली जाए। जीत की क्या स्थितियां थी वो आपको बता देते हैं। बिलासपुर लोकसभा में परसेंटेज आपने देख ली, जीत का मार्जिन बिलासपुर लोकसभा 2009 में 20,000 जीत का मार्जिन, बिलासपुर लोकसभा 2014 मोदी वेव 1,76,000, लेकिन 2019 में भी इस लोकसभा को फर्क नहीं पड़ता है, 1,41,000 से ज्यादा जीत का मार्जिन रहा है। अब जीत का मार्जिन और वोट परसेंटेज एक स्क्रीन पर, 2009 में 52% से ज्यादा वोटिंग 20,000, 14 में 63% से ज्यादा वोटिंग 1,76,000, 2019 में 64% वोटिंग 1,41,000। ये जो 2019 है, मैं बार बार उसे नोट इसलिए भी करता हूं आपके लिए, आपको समझने में आसानी होगी। 2018 में सरकार यहां बनी, कांग्रेस की सरकार बनी प्रचंड जनादेश वाली, और उसके बावजूद जीत का जो मार्जिन है इस सीट का 1,41,000 पर रहा, वो कम नहीं हुआ। तो बिलासपुर लोकसभा से वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन आपने देखा, किस पार्टी को वोट परसेंटेज क्या रहा। 2014 में 51% बीजेपी के पास, 35% से ज्यादा कांग्रेस के पास, अंतर 16%। अब यहां मार्के की बात है, 2019 में 52% बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 40% है, और डिफरेंस आ जाता है 11% का। कांग्रेस गेन मुद्रा में यहां नजर आई। और अब जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उनके पास आपको लिए चलेंगे। बिलासपुर की स्थितियां हमने अपने दर्शकों को समझा दी हैं, और अब पहले आपके पास ही मैं आ जा रहा हूं अनिल मिश्रा साहब। बिलासपुर की स्थितियां कैसे आप देख रहे हैं? देवेंद्र बनाम तोखन की ये लड़ाई है जी।
मैंने जो भी जांजगीर को लेके आपसे बात की थी ना, सेम वही परिस्थितियां, उससे ज्यादा स्थिति कांग्रेस की खराब बिलासपुर पे है, क्योंकि बिलासपुर में बड़े पैमाने पर जितने लोकल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनका विरोध है, और आज बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पाले में चले गए हैं, जिसमें पूर्व महापौर वाणी राव भी थी। हाँ। ऐसे बहुत क्या है, ये लोग मतलब कांग्रेस के बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, इन सभी लोगों ने कांग्रेस का पाला छोड़ के बीजेपी के दामन थाम लिया। अब रही बात की मतलब स्थिति की, तो बिलासपुर लोकसभा में अगर देखेंगे तो यादव समाज और साहू समाज, इनकी बाहुल्यता है, इन दोनों समाज की स्थिति को लेकर शायद कांग्रेस को ये लगा कि देवेंद्र यादव चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति शुरू से आज अगर देखेंगे मोहले से, पुन्नूलाल मोहले से लेके आज तक का भाजपा के पक्ष में ही सीट, और आने वाली स्थिति में भी ऐसा लगता है। हाँ। कहीं ना कहीं साहू समाज का एक तरफा वोट जो है जी, वो तोकर साहू को मिलेगा और जीत भाजपा के पाले में आएगी। जी, जीत भाजपा के पाले में आएगी। मनीष सर, बहुत शॉर्ट रिएक्शन आपका बिलासपुर को लेकर। देखिए, बिलासपुर के लिए हम बात करें तो देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी बनाया, उनको प्रत्याशी बनाते ही सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर उठा था तो बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा यहाँ पर उठा था। लेकिन जब बात करें देवेंद्र यादव को लेकर, तो कांग्रेस के युवा नेता है, महापौर रहे हैं, विधायक से उनकी छवि वहां पर अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि कुछ घोटालों में कोयला घोटाले में उनका नाम शामिल रहा है, विधायक भी रहे हैं, लेकिन जातिगत संघर्ष के अंतर्गत उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। ओबीसी बहुल ये लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर साहू और पूर्वी वोटों की संख्या ज्यादा है, उसके साथ साथ जैसा कि बताया यादव समाज के लोगों का भी प्रभाव यहाँ पर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है और उनके मुकाबले में तोफन साहू को उतारा है। तोफन साहू भी युवा चेहरा है और उसके साथ साथ की हम बात करें ओवरऑल यहाँ की, तो यहाँ पर लगातार 1996 से लेकर के अभी तक यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो सीट है वो भाजपा के लिए ज्यादा अच्छी, क्योंकि यहाँ के 8 विधानसभा में से 6 में भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी काबिज है, तो वो सीट है जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और खबरों का भी हमें रुख करना हो रहा है, हालांकि जब भी वरिष्ठ पत्रकार मिलते हैं तो सवालों के लंबे चौड़े सिलसिले होते हैं, और मैं फिर दोहरा दूं, हर चर्चा के बाद मैं ये दोहरा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स जो वरिष्ठ पत्रकारों ने गिनाए 4 तारीख को बहुत मार के आएंगे और बहुत काम आएंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर।